हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी सुवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, और पॉजिटिव नमस्कार का मतलब होता है कि किसी को डीमीन नहीं करना अननेसेसरली। तो जवान जो है मोस्ट प्रॉब्ली आज रात को नहीं तो कल तक गदर 2 का रिकॉर्ड जो उसने बनाया है, जितनी भी कलेक्शन उसने करी है, वो मात्र 9 दिन के अंदर क्रॉस कर देगी, जिस जो गदर को 36 डेज लगे। हालांकि गदर 2 को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन था, और वो जिस तरीके से उभर के आई है वो भी एक काबिले तारीफ है। बिकॉज जो एक्टर है इसके अंदर, जो डायरेक्टर हैं इसके अंदर, उन्होंने बहुत समय से कोई हिट नहीं दी थी। सनी देओल की सोलो हिट ऑलमोस्ट 20 साल पहले आई थी। तो इस तरीके से आना और इतनी स्ट्रांगली आना, इसके लिए ताली बजनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो हैं फैन वॉर्स के अंदर चले जाते हैं, वो ठीक बात नहीं है। तो पठान का रिकॉर्ड तोड़ने के बिल्कुल करीब है गदर 2, तो इसका मतलब ये होगा कि काफ़ी अच्छी चली है ये। क्योंकि इससे पहले का बेंच मार्क जो था वो पठान था, लेकिन पठान का रिकॉर्ड जो है खुद जवान ने तोड़ दिया है ऑलमोस्ट। और जवान ऑलमोस्ट एक ऐसी मूवी बन जाएगी जो गदर 2 का रिकॉर्ड, जैसे मैंने बताया 36 दिन का जो रिकॉर्ड है, वो मात्र 9-10 दिन के अंदर ही पूरा कर देगी। तो डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। कुछ जो गदर 2 ने स्टेप्स लिए थे ताकि वो कंपटीशन को केटर कर पाए, क्या उससे कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ, 150 रुपये की फ्लैट टिकट के जो उन्होंने ट्रिक खेली है, एक अच्छी ट्रिक साबित हो सकती है, इससे कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, वो बात करते हैं। पहले तो फटाफट से ड्रीम गर्ल 2 का कलेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। 35 लाख रुपए आज करें, कल 50 कर रहे थे। इसका टोटल अब जो हो चुका है वो 102 करोड़ रुपीज़, 135 करोड़ रुपीज़ के आसपास ये इसका एंड हो जाएगा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के आसपास। ठीक है जी, सीधा सीधा चलते हैं गदर 2 के ऊपर। डे 36 का जो कलेक्शन है वो उतना ही है जितना कल था, 50 लाख रुपये। इसमें आप पूछो कि इंक्रीमेंट क्यों नहीं आया, 150 रुपये की टिकट थी। तो इंक्रीमेंट आया है नंबर ऑफ फुटफॉल्स के अंदर, इंक्रीमेंट आया नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग इट। एट द सेम टाइम 150 रुपये की टिकट थी, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू कम होगी यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा लोगों ने देखी है। एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ मार्केटिंग प्रमोशंस की जरूरत होती है, जो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। सैटरडे संडे के अंदर ये 1-1 करोड़ रुपये और आगे चली जाएगी फॉर श्योर। हो सकता है ज़्यादा भी ले ले, मेरा एस्टिमेट है कि 3 करोड़ रुपये के आसपास इसको करना चाहिए, इवन इफ देर इज अ स्ट्रॉन्ग वेव फॉर जवान। तो गदर 2 का जो कलेक्शन था कल तक था वो था 517.18, जो कि हो चुका है 517.68 नाउ After giving this promo offer of 150 rupees flat। और जो इसका कलेक्शन है वो 677 हो चुका है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। 700 होगा कि नहीं होगा, लेट्स सी। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है एट दिस स्टेज, क्योंकि काफ़ी सारे करोड़ करने, 24 करोड़ रुपये के आसपास करने। वैसे तो देखा जाए तो जवान जब पहले पठान जो थी वो पूरी 60 दिन तक एक्चुअली लगी रही थी थिएटर्स के अंदर, और अभी इसको 36 दिन ही हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर ये उतना टाइम और काट लेते तो धीरे धीरे करके ये कर सकती है। बट टिपिकली एक नॉर्मल मूवी के लिए अगर हम बात करें तो 45 से 50 डेज के बाद जो होती है दूसरी शिफ्ट हो जाती है मूवी। और आगे वाले टाइम में काफ़ी सारी मूवीज़ आने वाली हैं। 22 को द ग्रेट इंडियन फैमिली आएगी, फिर आपको एंड ऑफ द मंथ आपको 28 तारीख को फुकरे और द कश्मीर फाइल्स भी देखने को मिलेगी। तो ड्रीम गर्ल को तो कोई पूछेगा भी नहीं, बाकी जो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से 400 से 500 स्क्रीन मिलेंगे गदर 2 को, बाकी सारे बट जाएंगे इधर उधर। जवान के भी थोड़े से रिड्यूस होंगे, लेकिन जवान जिस तरीके से जा रही है लगता नहीं है कि कोई इसको रोक पाएगा। कल का जो कलेक्शन था वो था करीबन करीबन 20 करोड़ रुपए। तो अभी तक कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ है कि ये 20 से नीचे गई हो। कल का जो कलेक्शन, हालांकि मैंने आपको बताया था वो था 19 के आसपास, तो जो रिवाइज नंबर आया वो आया 20। और वो इसीलिए आया जो मैंने आपको स्टार्टिंग तो वीडियो में भी हिंट करा है कि जितने भी सिंगल स्क्रीन वाली मूवीज़ होती हैं, जो मासी मूवीज़ होती हैं, उसके नंबर जो होते हैं वो लेट आते हैं, नेशनल चेन से फटाफट से आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास रेडी होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर जिस तरीके के होते हैं, बाकी जगह पर मैनुअली लेना पड़ता। अब जो इसका एडवांस बुकिंग था उससे ये इंडिकेशन आया कि ये 22 करोड़ रुपए के ऊपर एंड करेगी आज, जिसकी वजह से इसका जो टोटल कलेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 410, कल तक 388, और 660 करोड़ ने कल तक निपटा भी लिए थे। और गदर का जो रिकॉर्ड है वो है 676 का, तो ये भी मेरे ख्याल से जल्दी आज में टूट जाएगा। तो अच्छी बात है, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। और उसके बाद जवान जो है वो पठान का रिकॉर्ड भी तोड़ ही देगी, और काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट आ रही है। गदर 2 को ओवरसीज मार्केट से ज़्यादा सपोर्ट नहीं आई, 65 करोड़ टोटल किया, वहीं पर कल तक ही 217 करोड़ रुपीज़ से प्लस जवान कर चुका था। और आज का सब कुछ कर करा के सैटरडे संडे में तो 300 के आसपास तो पहुंच ही जाएगा है। तो काफ़ी अच्छा इसको सपोर्ट मिला है वहाँ से, क्योंकि शाहरुख खान की जो लाइकिंग है और कंसिस्टेंट जो हिट्स रही हैं ओवर द ईयर, वहाँ पर बाहर काफ़ी ज़्यादा इक्विटी इसको मिल गई है। हिंदी का जो कलेक्शन है
वो है 328 करोड़ रुपीज़ आउट ऑफ 388 करोड़ रुपीज़ जो कल तक हुआ था। तमिल का वर्जन है 23 करोड़ रुपीज़ और तेलुगु का वर्जन है 17 करोड़ रुपीज़। ये जो वर्जन है अब ये इंक्रीज़ हो गया, कितना हो गया उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हिंदी का था 328 विच हैज़ बिकम 348 करोड़ रुपीज़, तमिल का वर्जन था 23 करोड़ रुपीज़ विच हैज़ बिकम 23.9 करोड़ रुपीज़, 17 करोड़ था तेलुगु का जो कि बन चुका है 18.1 करोड़ रुपीज़ के आसपास। तो तेलुगु वर्जन इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्लाइटली बेटर देन तमिल वर्जन राइट नाउ, तो अच्छी बात है जो भी कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। लेकिन ये छोटे छोटे इंक्रीमेंट हैं, 1 करोड़ इधर 1 करोड़ उधर, बट फिर से लड़ना मत क्योंकि तमिल और तेलुगु वर्जन 1-1 करोड़ का मतलब ये नहीं है कि वो 1-1 करोड़ ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो तेलुगु स्टेट है, तमिल स्टेट्स हैं, वहाँ पर हिंदी वर्जन में भी लोग काफ़ी देख रहे हैं। मेरे पास अभी भी डेटा नहीं आया है, सॉरी, कल मैं बैठ के पूरा मैथमेटिक्स करूँगा और निकालूंगा कि तमिल और तेलुगु स्टेट्स में, साउथ की स्टेट्स के अंदर कितना कैलकुलेशन निकल के आता है। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ, और नेक्स्ट अपडेट होगा आपको पता ही है क्या होगा कि जवान का एडवांस बुकिंग फॉर D10 क्या होगा, कितना बड़ा बम फटने वाला है कल। बाय बाय।